Hello everyone, our next topic is kinematics. In this video, I will give a short description of kinematics chapter. So firstly, I will tell you the differences between distance and displacement. So distance is the actual path traveled by any body during its whole journey, while displacement is the difference of final minus initial position. ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस कोई भी बॉडी अपने होल जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है उसका डिस्टेंस होता है, और उसके फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को हम जब माइनस करेंगे तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें जैसे कि पहला, इसमें तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जैसे इसमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम पे दी रहेगी, वही हमको कैलकुलेट करना होगा ग्राफ से देख के। जैसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में तो हम देख सकते हैं कि 0 सेकेंड पे पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पे है, और 2 सेकेंड पे जो पार्टिकल है वो 0 पे है। तो टोटल इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगी। हमको डिस्टेंस निकालना है 0 to 4 में। तो 0 पे जो है पार्टिकल वो 10 मीटर पे है, और 4 पे भी पार्टिकल 10 मीटर पे है। तो इट मीन्स कि पार्टिकल 0 पे 10 है, 4 पे 10 है, मतलब टोटल वो 20 मीटर गया, तो उसका डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से हम दूसरे ग्राफ पे आते हैं, कम टू आवर नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ही वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर की अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे जो भी ग्राफ बना रहेगा, तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी। जैसे हमको कोई भी वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, और वी इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी होता है। और हम अगर यक्स, मतलब कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम उसके अंदर की ग्राफ के अंदर की एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तीसरा ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है ऐसे ही दिया रहेगा, उसके अंदर की एरिया जो होती है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया वेलोसिटी बताती है। इसमें वे फार्मूला ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमको अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उसे उसको डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को किसी एंगल से ग्राउंड से किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी एंगल से उसको थ्रो करें, या कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसको होल जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ इट्स टाइम पीरियड। उसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। वो कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसकी मैक्सिमम जो हाइट होगी वो उसकी हाइट होगी, उसका फॉर्मूला होता है u² sin²θ/2g। और ये उसका रेंज होता है, रेंज मतलब कि वो हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ u² sin²θ/g। अक्सर इसमें फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो फार्मूला बस याद रहेगा तो हो जाएगा काम। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये जो होता है ना पैराबोला, इसके इस ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होती है y = x tan θ - gx² / 2u² cos²θ। ये फार्मूला लर्न करना चाहिए। इसी फार्मूला बेस्ड से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे दिया है कि y = ax - bx², अगर आप कंपेयर करिए तो एकदम इसी ये ऊपर वाले फार्मूले से की तरह ही है। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा हमको तो काम बन जाएगा ये फार्मूला। तो y = ax - bx², फाइंड रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हमको ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे दिया है, हमको इसकी रेंज और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो रेंज जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, तो हम y की वैल्यू 0 कर देंगे, तो वहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी a/b। और मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हम y का जो फंक्शन दिया है उसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से हमारी मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल में दूसरा पार्ट है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। सेम वैसे ही प्रोजेक्टाइल की तरह है, बस कुछ फॉर्मूले में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। जैसे कि अगर कोई भी इंक्लिनेशन है उस पर हम कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, किसी बॉडी को थ्रो करेंगे, तो वहाँ से दो दो एंगल बनेगा। एक तो जो इंक्लाइंड है उसका ग्राउंड से बनेगा, फिर इंक्लाइंड का प्रोजेक्टाइल से बनेगा, तो दो एंगल है। तो देखिए, एक एंगल यहाँ अल्फा है, एक एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हम इसको यू वेलोसिटी से फेंके हैं, तो यहाँ पे हम इसको इसका यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। फिर यहाँ से यहाँ पे जो बॉडी रहेगा उसका जी लगेगा,
और ये अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, तो इधर जी कॉस अल्फ़ा, इधर जी साइन अल्फ़ा। बस टाइम पीरियड का उधर फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे उसके साथ साथ जी कॉस अल्फ़ा भी लगेगा। देखिए जी कॉस अल्फ़ा यहाँ है ना, ये जी कॉस अल्फ़ा, और एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फ़ा, क्योंकि एच और टाइम पीरियड जो होता है वो वर्टिकल वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। इस पर क्वेश्चन भी है, देख लीजिए आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। तो यही है इसका थॉट डिस्क्रिप्शन है, बस इतनी टॉपिक अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक। थैंक यू।